तो फाइनली भाई हम लोग आ गए हैं चार मीनार पे, और ये है हमारा चार मीनार। ये जो आगे वाला दिख रहा है वो है चार मीनार, और यहाँ से मुझे लगता है कि यहीं पे हमें स्कूटर वगैरह पार्क करना पड़ेगा। तो ये है हमारा चार मीनार, यहीं पार्क कर दो ना। ये मॉर्निंग का टाइम है तो पार्किंग का इतना इशू नहीं रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में आप आओगे तो पार्किंग का इशू बहुत ज़्यादा रहेगा। ये अपना चार मीनार सुबह के टाइम पे मस्त दिखता है यार, सुबह सूरज की रोशनी सुबह सुबह जो पड़ती है ना, तो ना तो आप सुबह सुबह अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे बाइक्स वगैरह पार्क कर सकते हो। बाद में तो मुझे नहीं लगता बाद में पार्क करने देंगे ना, नहीं पार्किंग कर सकते हैं ना। तो ये पार्किंग है भाई यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नो पार्किंग है, मतलब आगे पार्क नहीं कर सकते यहाँ पे, तो पार्किंग है। हाँ, तो उसके आगे आपको वॉक करके जाना पड़ेगा, पोल्यूशन की वजह से पूरा खराब हो रहा। हाँ 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 तो बचाने के लिए, तो पोल्यूशन की वजह से सब कुछ खराब हो रहा था, तो बचाने के लिए ये सब क्लोज कर दिया गया है। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू कम एंड सी दी चार मीनार नाउ, क्योंकि पहले मेरे साथ पहले आप यहाँ से कार वगैरह मतलब व्हीकल जाते थे ना, तो पहले व्हीकल्स यहाँ पे जाते थे तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे सब कुछ बंद कर दिया गया है, और जो भी व्हीकल्स आते हैं दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर दिया है सबको, और अब थोड़ा क्लीन दिख रहा है। नीचे पे आप देख सकते हैं, फाइनली हम लोग चार मीनार के नीचे हैं, और पूरे पहलवान मेरे साथ हैं। पहलवान लोगों हाय तो बोलो यार, एक बार भी हाय नहीं बोले कैमरा को तुम लोग अभी तक आने के बाद। और ड्राइविंग इज नो चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल नहीं है ड्राइविंग करना, सही बोला भाई, बच्चों का खेल नहीं है। और आपको मैं साइड से दिखाता हूँ चाय बना। भाई अब हो गया चार मीनार का भ्रमण हो गया, चार मीनार हमने देख लिया, हमारे पीछे ही है, और अब चाय पियेंगे। चार मीनार की के पास आजू बाजू चाय अच्छी मिलती है, अच्छी मिलती ना यहाँ पे ईरानी चाय, ईरानी चाय जबरदस्त। अगर आपको यहाँ पे आ रहे तो मेक श्योर आप चाय पी के जाओ, यहाँ ये स्पेशल है ना चाय। ये और ये निमरा कैफे एंड बेकरी है, इसकी चाय अच्छी बता रहे लोग, हम भी ट्राई करेंगे। देखो भीड़ कितनी है, जहाँ पे भीड़ है मतलब भाई कुछ ना कुछ चाय चाहिए, बिस्किट और चाय के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और हम वहाँ पे फ्रूट सलाद की दुकान है मस्त रहते हैं, और वो साइड में फ्रूट सलाद की दुकान है वो भी अच्छे रहते हैं। सब लोग ऐसा देख रहे थे कि हाथ में हम क्या। हाँ भैया आओ, ये है, ये उस्मानिया बिस्किट है ना भैया, ये है उस्मानिया बिस्किट। और कभी आप यहाँ पे आओ तो मेक श्योर ये खाना जरूर आप यहाँ पे चाय के। और जगह का नाम बता देता हूँ, चाय मनार के एकदम बाजू में ही है। हाँ निमरा कैफे है, सामने आपको दिखा देता हूँ। भाई हमने चाय ले ली और बिस्किट ले लिए, ये बंदा है उन्होंने लेके आता था, लेके आता है एक कप पूछे बोले तो नहीं दिया। तुम चाय नहीं पीते ना? नहीं दे रहा। ये यहाँ पे देखो निमरा कैफे एंड बेकरी एकदम अपने चार मीनार के ऑपोजिट में, बगल में। एक और ले लें फिर। साकेत भाई चाय कैसी है? आखरी बोलते हैं। जबरदस्त है ना भाई, क्या बोलते चाय जबरदस्त है यहाँ की, और सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। भाई घूमने के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है, पहले यहाँ पे बहुत व्हीकल्स आते थे, ऑटोज आते थे, पूरा जाम रहता था, लेकिन अभी एकदम से नीट है, कोई टेंशन नहीं है, आप आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, कैसे भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे देखो फोटोग्राफी भी हो रही है इस साइड में, और अच्छी प्लेस है ये साइड में, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोग्राफी भी चल रही है ये साइड में। ये मक्का मस्जिद है ये साइड में एकदम चार मीनार के अपोजिट में सामने, और ये सब
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए।